हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स केयर में। और आज का हमारा ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन सभी ने 12th में कॉमर्स रखा हुआ है या फिर जिनका आर्ट है, मतलब जो इकोनॉमिक्स है ना हमारा वो कॉमर्स में तो है ही है, साथ ही साथ आर्ट में भी है ना। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमारे कॉमर्स के बच्चों को पूछा जाता है वही क्वेश्चन और वैसा ही क्वेश्चन आर्ट के बच्चों का भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये सेशन आर्ट के बच्चों के लिए भी और कॉमर्स के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि आज हम आप सभी के सामने लाए हुए हैं 12th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर को। ठीक है, और इसे आप अगर देखते हो एनसीईआरटी के बुक से तो इसमें शुरू के दो चैप्टर्स आते हैं, शुरू के दो चैप्टर्स आपको एनसीईआरटी के बुक में एक ही चैप्टर में यानी फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन है और दूसरा है हमारा दूसरा है सेकेंड चैप्टर है पीपीसी वाला चैप्टर। ठीक है, यानी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, किसी इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम्स। और आज हम लोग इस चैप्टर को करते हुए ढेर सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं। निश्चित ही ये वीडियो आप सभी के लिए, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके अगले बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इस सेशन से वो क्या है, व्हाट डज द इकोनॉमी प्रोड्यूस, एक अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है, एक अर्थव्यवस्था के अंदर किन किन चीजों का प्रोडक्शन होता है, क्या वो केवल गुड्स है या सर्विसेज है या प्रॉफिट है या फिर वो गुड्स और सर्विसेज दोनों है, क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा है, क्वेश्चन आपको ज्यादा लेकर वो आए हुए हम लोग, ताकि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो सके आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो मैं ज्यादा टाइम दूंगा नहीं, आपको अगर आंसर लिखना है मतलब आंसर आपको लिखना है तो वो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, मैं फटाफट आगे बढ़ाऊंगा। और अभी जो इसका सही आंसर है वो क्या है, बोथ यानी ए एंड बी, गुड्स का भी और सर्विसेज का भी, हमारे इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन होता है वो दोनों टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन होता है। आगे है प्राइस डिटरमिनेशन एंड कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड अंडर विच इकोनॉमिक्स, मतलब मूल्य निर्धारण और उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, यानी कौन से इकोनॉमिक्स में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में या नन ऑफ दीज, भाई कौन से इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं प्राइस डिटरमिनेशन को और कंज्यूमर बिहेवियर को, ये आप सभी को बताना है, मतलब मूल्य निर्धारण और उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, क्या वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स या फिर None of these, कमेंट बॉक्स में आप सभी को आंसर टाइप करना है। और मेरा ये सही आंसर आप सभी के लिए क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, कौन सा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद है इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर द हैंड्स ऑफ, इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी ऐसा इकोनॉमी जो कौन सा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है यानी जिसमें पूंजीपति लोग ज्यादा होते हैं, और ऐसा कोई इकोनॉमी जिसमें कि प्रोडक्शन का जो काम होगा वो कौन करेगा, जितना सारा हमारा इंडस्ट्रीज है वो करेगा। इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर इन द हैंड्स ऑफ, इसमें प्रोडक्शन एक्टिविटी किसके हैंड में होता है, क्या वो गवर्नमेंट है, क्या वो वर्कर्स है या फिर कैपिटलिस्ट इंटरप्रेनर है या नन ऑफ दीज, इसका आंसर आप सभी को बताना है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन गतिविधियां किसके हाथ में होती हैं, तो वो कौन है, कैपिटलिस्ट इंटरप्रेनर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इन एन इकोनॉमी डिसीजन रिगार्डिंग कंजम्पशन इज मेड बाय, यानी लोग जो क्या करेंगे, अपना कंजम्पशन करेंगे, लोग जिन चीजों को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, इसका डिसीजन कौन लेता है, यानी इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी में जो डिसीजन होता है किसके रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग भाई मेरे, किसके रिगार्डिंग, तो कंजम्पशन के रिगार्डिंग, कि कंजम्पशन किन चीजों का होगा,
इसका डिसीजन कौन लेता है? क्या वो हाउस होल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है, या फिर नन ऑफ दीज है, या फिर नन ऑफ दीज है? तो इस सभी में से इसका आंसर क्या है ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है फटाफट। हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है हाउस होल्ड सेक्टर्स। क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर। क्योंकि जो खर्च करेगा उसी को यह डिसीजन लेना है कि वो खर्च किन चीजों पर करेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। इन विच कंट्री बिसाइड्स कैपिटलिस्ट सेक्टर द स्टेट ऑल्सो प्लेज ए रोल इन द इकोनॉमी, यानी किस देश में पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य भी अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाता है? क्या वो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज? इसका आपको सही आंसर बताना है। क्या वो विकसित देश है, अविकासशील देश है, दोनों ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेवलपिंग कंट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज इकोनॉमिक कॉस्ट, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक लागत कहा जाता है? क्या वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, मॉनेटरी कॉस्ट है, या इकोनॉमिक कॉस्ट है? तो भाई मेरे इसका आंसर तो सीधा सीधा दिया हुआ ही है क्वेश्चन में ही, इकोनॉमिक कॉस्ट ही इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज इन इंडिया, इंडिया में, भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है? तो ये तो मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा कि भारत में जो इकोनॉमी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी के मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें दोनों मिलके काम करता है, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ गुड्स बाय डिमांड एंड सप्लाई स्टडीड, यानी वस्तु की मांग पूर्ति से, मांग एवं पूर्ति से, मेरे ख्याल से ये ज्यादा बढ़िया होता, मांग एवं पूर्ति से उसके मूल्य का निर्धारण किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, बोथ एंड बी, यानी सकारात्मक अर्थशास्त्र, व्यष्टि, मानक अर्थशास्त्र, ए और बी, दोनों? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी हैं? प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, इकोनॉमिक वेलफेयर, और ऑल ऑफ दीज? इसमें से इसका सही आंसर आप सभी को बताना है। हालांकि इकोनॉमिक वेलफेयर इसमें तो नहीं आना चाहिए, इकोनॉमिक वेलफेयर इसमें नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी आप ऑल ऑफ दीज को ही टिक करो, ठीक है? क्योंकि ये दोनों इसका ऑप्शन है, प्रोडक्ट प्राइस डिटर्मिनेशन और फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। अगर इसमें कहीं ए और बी बोथ लिखा हुआ होता तो हम लोगों के लिए वो सही आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच इकोनॉमी आर द रिसोर्सेस एलोकेटेड फॉर हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द होल इकोनॉमी, पूरे पूरे इकोनॉमी के प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस के लिए रिसोर्सेस का एलोकेट बंटवारा कौन से इकोनॉमी में किया जाता है? क्या वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, या फिर नन ऑफ दीज? ठीक है, हिंदी में किस अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था की खुशी और समृद्धि के लिए संसाधनों का विनिधान यानी कि अलॉटमेंट यानी कि बंटवारा होता है? क्या वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस टाइप के इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। और सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का दूसरा नाम होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट को पता है कि किन चीजों का प्रोडक्शन किया जाए ताकि ज्यादा लोगों का समाज कल्याण हो सके, वेलफेयर हो सके। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज डिफाइंड फॉर ए टाइम पीरियड,
इसमें से कौन सा है जिसको एक टाइम पीरियड के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चर एक समयावधि के लिए परिभाषित किया जाता है? क्या वो इनकम है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, या फिर ऑल ऑफ दीज? सही आंसर मेरे ख्याल से मुझे बता देना ज्यादा अच्छा है। और वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। जैसे हम लोग बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट में फिक्स डिपॉजिट है, रिक्यूरिंग डिपॉजिट है, ये सारा हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, और वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल ऑफ इकोनॉमी? निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है? बिल्डिंग, ऑफिस प्लेस यानी कार्यालय का स्थान, रोड, ब्रिज, एयरपोर्ट, सड़क, पुल, हवाई अड्डा, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा 13 है, व्हाट इज द एडजस्टमेंट फॉर रूटीन वेयर एंड टियर ऑफ कैपिटल गुड्स एंड गुड्स कॉल्ड? यानी पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट के समायोजन को क्या कहते हैं? तो इसको ना कॉमर्स के बच्चे इजिली बता देंगे, फटाक से बता देंगे, एक बार में ही बता देंगे, क्योंकि उन्होंने 11th में ही इन चीजों को पढ़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सीबीएसई क्लास 11th के बच्चे भी इस चीज को बता सकते हैं, और उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा आज का सेशन, ठीक है। सीबीएसई क्लास 11th के लिए भी आज का ये हमारा सेशन बेनिफिशियल है, क्योंकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्लास 11th में दिया गया है सीबीएसई में। तो क्या वो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, मतलब टूटने फिटने फूटने को, फिक्स्ड एसेट के टूटने और फूटने को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, नन ऑफ दीज। तो जैसा आप लोग अकाउंटेंसी में पढ़े हो, बिल्कुल इसका सही आंसर जो आप सभी के मन में चल रहा है वही है, और वो अब आंसर क्या है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिक्स्ड एसेट जब टूटता फूटता है हम लोग इसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। Which of the following is not physical capital stock? इसमें से ऐसा कौन सा है जो भौतिक पूंजी का स्टॉक नहीं है? भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल मशीन फिजिकल है, देख सकते हैं, और साथ ही साथ ये फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि कैपिटल बोला गया तो कैपिटल स्टॉक यानी फिक्स्ड एसेट, बिल्डिंग यानी फिक्स्ड एसेट, रोड गवर्नमेंट के लिए फिक्स्ड एसेट, क्या फ्रूट है फिक्स्ड एसेट, क्या ये 5 साल 10 साल तक चलेगा हमारे पास? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसका आंसर यही होगा, फ्रूट्स, ठीक है। क्यों होगा फ्रूट्स? क्योंकि यहां पूछा गया नॉट फिजिकल कैपिटल स्टॉक, इसमें से कौन सा है जो कि फिजिकल कैपिटल स्टॉक नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, विच इकोनॉमिस्ट डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इन टू ब्रांचेस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज? यानी किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन के आधार पर अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि दो शाखाओं में विभाजित किया है? यानी किसने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया, अलग अलग किया, ठीक है, ये हम लोगों को अभी बताना है। क्या इसका सही आंसर मार्शल है, क्या इसका सही आंसर रिकार्डो है, क्या इसका सही आंसर रेगनर फ्रीस है, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर नन ऑफ दीज? तो मेरे ख्याल से मैंने इन चीजों को बच्चों को रटा दिया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th सीबीएसई के बुक में ये लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बताया है बच्चों को कि वो कौन थे, रेगनर फ्रिस, जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे दो पार्ट में पूरे इकोनॉमिक्स को बांट दिया है ताकि वो स्टडी में आसान हो। हु सेड इकोनॉमिक्स इज समटाइम्स अ रियल साइंस एंड समटाइम्स एन आइडियल साइंस? किसने कहा कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कभी वास्तविक विज्ञान है और कभी आदर्श विज्ञान है? क्या वो मार्शल है, फ्रेडमैन है, कीन्स है, या फिर नन ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर आप सभी को बताना है। तो मेरे ख्याल से इसमें से उन सभी में से किसी का नाम नहीं दिया गया है, उसमें से इन तीन चारों तीन में नाम में से उनका नाम है नहीं जिन्होंने ऐसा लिखा, तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट
सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ह्यूमन वांट्स आर इनफिनाइट, बिल्कुल सही है भाई, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं, सही है। रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ये भी सही है कि लोगों के पास जो उसका संसाधन होता है वो सीमित होता है। तीसरा, स्कार्सिटी प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस, बिल्कुल सही है, ये तीनों आंसर सही है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन, यानी उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कौन से इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनकम थ्योरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, नन ऑफ दीज। सही आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और वो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 19, द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज्ड बाय, अब भाई माइक्रो और मैक्रो को तो रेगुलर फ्रीस ने डिस्ट्रीब्यूट किया, दो भागों में बांटा इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स को माइक्रो और मैक्रो नाम के दो वर्ड में किसने बांटा, रेगनर फ्रीस ने। तो इसका मतलब है कि रेगनर फ्रीस ने ही फर्स्ट टाइम माइक्रो और मैक्रो को यूज किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, रेगनर फ्रीस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या वो इंडिविजुअल फैमिली है, इंडिविजुअल फर्म है, और इंडिविजुअल इंडस्ट्री है, या फिर ऑल ऑफ दीज। सही आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और वो आंसर आप सभी को बिल्कुल ही पता होगा, क्या है वो आंसर, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम लोग इंडिविजुअली ही चीजों को पढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सोशियलिस्ट इकोनॉमी इज, यानी सोशियलिस्ट इकोनॉमी का काम क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्शन, इकोनॉमिक फ्रीडम, अर्निंग प्रॉफिट, या मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। तो मेरे ख्याल से जैसे ही मैंने ऑप्शंस को पढ़ा है, आप सभी ने पहले मेरे ख्याल से आप ध्यान से सुने होंगे, और जैसे ही मैंने ऑप्शन नंबर डी को बताया आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है भाई, यही ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था कौन सा है, अभी समाजवादी अर्थव्यवस्था है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें सारा काम कौन करता है, गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट को पता है कि किन चीजों का प्रोडक्शन होना चाहिए ताकि उसके ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच पाए वो प्रोडक्शन। ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर, ज्यादा से ज्यादा लोगों का समाज कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा देखिए, अब यहां से सेकेंड चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो आपके बुक में होगा वो सेकेंड चैप्टर है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, उत्पादन संभावना वक्र है, क्या है, कॉनकेव टू द एक्सिस यानी कि ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द एक्सिस, और पैरेलल टू द एक्सिस, या वर्टिकल टू द एक्सिस, अक्ष की ओर नतोदर होता है, नतोदर, जैसे यहां तो है ना, तो नतोदर, अक्ष की ओर उन्नतोदर होती है, अक्ष की ओर समानांतर होती है, अक्ष के समानांतर होती है, या अक्ष के लंबवत होती है, ये आप सभी को बताना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉनकेव टू द ओरिजिन या फिर एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को कहा आप सभी के मन में निश्चित ही इसका आंसर आ गया होगा, निश्चित ही आ गया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर आप सभी के मन में आ गया होगा कि क्या वो एब्यूडेंस है, एब्यूडेंस है, प्रचुरता है, या फिर सुविधा, कॉन्वीनियंस, या फिर स्कार्सिटी, ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस, क्या है इसका सही आंसर, और निश्चित ही ये आप सभी को पता होगा ये क्या है, स्कार्सिटी है। क्या है, स्कार्सिटी यानी कमी के वजह से हम लोगों के एक पास प्रॉब्लम होता है, और वो कौन सा प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, किसके कारण, स्कार्सिटी के कारण। फैक्टर और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज और आर, ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये सभी कौन कौन से हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल, ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, हु सेड इट
इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, किसने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है मतलब अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है? मार्शल ने, रॉबिन्स ने, एडम स्मिथ ने या जेके मेहता ने? किसने कहा? इसका सही आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ ने ही कहा था कि जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इन विच इकोनॉमी डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, यानी कौन से अर्थव्यवस्था में, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? और कीमत तंत्र का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कीमत तंत्र का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आंसर आप सभी बताएं कि कौन से इकोनॉमी में हम लोग डिसीजन लेते हैं डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर? क्या वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट है, मिक्स्ड है, या फिर नन ऑफ दीज? सही आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, वो इकोनॉमी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कौन सा इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ऐसा कौन सा वक्र है, कर्व है, ग्राफ है जिस पर हम लोग दिखाते हैं आर्थिक समस्या को? और सेकेंड चैप्टर में आप लोगों ने कर्व पढ़ा है, कौन से कर्व को पढ़ा है? क्या वो प्रोडक्शन कर्व था? नहीं, उत्पादन वक्र। आप लोग पढ़ेगा उत्पादन वक्र? नहीं, मेरे ख्याल से तो मैंने तो आज तक नहीं बताया किसी को उत्पादन कर्व। डिमांड कर्व? नहीं भाई, सेकेंड चैप्टर में तो डिमांड कर्व नहीं आता है। इंडिफरेंस कर्व? नहीं, सेकेंड चैप्टर में ये भी नहीं आता इंडिफरेंस कर्व, ये फोर्थ चैप्टर में आगे जाने के बाद। तो क्या सेकेंड चैप्टर में लोग पढ़े थे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको पढ़े हुए थे हम लोग। और इसका नाम क्या था वहां पे? पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, पीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेलफेयर इकोनॉमिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कल्याणकारी अर्थशास्त्र नहीं है, अर्थशास्त्री नहीं है? जेबी से, मार्शल, पीगू या कैनन? कैनन, आप सभी को पता होगा कि कैनन नाम से कैमरा का कंपनी भी है, ठीक है, यहां से आप याद कर सकते हो कैनन। लेकिन इसका जो आंसर है वो कैनन नहीं है, ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या है? जेबी से। क्या है? जेबी से। ये कल्याणकारी अर्थशास्त्री नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच इज नोट द फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें से ऐसा क्या है जो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी का फीचर नहीं है? सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? सोशल ऑनरशिप, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशल ऑनरशिप यानी सामाजिक स्वामित्व, इकोनॉमिक फ्रीडम यानी आर्थिक स्वतंत्रता, एब्सेंस ऑफ कंपिटिशन यानी प्रतियोगिता का अनुपस्थिति, और फिर नन ऑफ दीज। यहां पूछा गया नोट द फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसमें से ऐसा क्या है जो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का फीचर नहीं है? भाई सोशल ऑनरशिप होता है और एब्सेंस ऑफ कंपटीशन भी होता है। क्या हम उसको, हमारा ट्रेन क्या हम लोग दौड़ा सकते हैं गवर्नमेंट के पटरी के बगल में, गवर्नमेंट के रेल लाइन के बगल में? क्या हम लोग हमारा रेल लाइन नया बिछवा सकते हैं, नया चलवा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, यानी यहां पर कंपटीशन नहीं होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि सारा काम यहां पर कौन करता है? गवर्नमेंट खुद से। इस वजह से यहां पर इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं होता है। लोग क्या प्रोडक्शन करेंगे, लोग किन चीजों का कंजम्पशन करेंगे, लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन सभी चीजों पर कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का सोशलिस्ट इकोनॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इकोनॉमिक्स। आर्थिक विकास की अवधारणा अर्थशास्त्र में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या फिर सैमुअलसन? ऑप्शन आप सभी को बताना है, ऑप्शन आप सभी को बताना है। सही ऑप्शन आप सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें, सही आंसर इसका कमेंट बॉक्स में टाइप करें आप सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर,
है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सैमुएलसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा इंक्लूड है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल है, इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल यूनिट्स, इंडिविजुअल प्राइस, ऑल ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन इससे पहले एक बार और भी आ चुका था, लेकिन वहां स्मॉल यूनिट नहीं है, लेकिन फिर भी माइक्रो का मतलब तो स्मॉल ही होता है ना, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर के बीच से आगे बढ़ गए, ठीक है, मतलब मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है, कुछ और बाकी है, आप लोग धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि आपको आंसर दे देकर और सही ऑप्शन टाइप करके आप सभी को मार्क्स लाना है, ठीक है ना, बिहार बोर्ड के क्लास 12th के एग्जाम में, और सीबीएसई के बच्चे हैं तो उन सभी को क्लास 11th का जो फाइनल एग्जाम होना है उसमें अपना परफॉर्मेंस अच्छा करना है। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि सीमित संसाधन एवं असीमित चाहत, यानी कि उसको जो इच्छा है, कि अवधारणा किसने दी, एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, रॉबिन्स ने, या फिर सैमुएलसन ने। देखिए ये इकोनॉमिक्स ना, और इसका और ऑब्जेक्टिव इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों को आगे ये फिर सीए फाउंडेशन में पूछा जाएगा, माइक्रो और मैक्रो को मिला के पूरे 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने, ठीक है, तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव अगर पहले से तैयार है तो निश्चित ही आप सभी को आगे मेहनत कम पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, हु गेव कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स, एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, या फिर सैमुएलसन, ऑप्शन नंबर सी यानी कि रॉबिन्स ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑन ऑफ एन इकोनॉमी इज, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड गुड्स, और फिर ऑल ऑफ द एबव। मेरे ख्याल से इसमें बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन आया होगा कि सर ये तो मैंने पढ़ा व्हाट टू प्रोड्यूस, ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं हाउ टू प्रोड्यूस, लेकिन सर यहाँ तो था फॉर होम टू प्रोड्यूस ना, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, फिर ये आपने नया यहाँ पर रख दिया हुआ है हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस प्रोड्यूस्ड गुड्स, मतलब उत्पादित वस्तुओं का बंटवारा कैसे किया जाए, आवंटन कैसे किया जाए, ये तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, बेशक आप लोग पढ़े हुए हैं इन चीजों को, ठीक है, आप लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन आपने पढ़ा हुआ था ऐसे कि ये जो फॉर होम टू प्रोड्यूस है ये रिलेटेड है इस प्रोडक्शन, इस प्रॉब्लम से कि जो गुड्स प्रोड्यूस हो चुका है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, कैसे लोगों के लिए हम लोग प्रोडक्शन करें, यानी इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से चीज ये रिलेटेड है, इस वजह से ये भी हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम है, बी भी है और फिर ए भी है, तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू, यानी आर्थिक समस्या मूलतः किस कारक से संबंधित है, चॉइस, कंज्यूमर सिलेक्शन, फर्म सेलेक्शन, नन ऑफ दिस। मेरे ख्याल से जैसे ही मैंने ऑप्शन नंबर ए को पढ़ा होगा आप सभी ने कमेंट बॉक्स को फटाक से ओपन किया होगा और ऑप्शन नंबर ए को आप सभी ने टाइप किया होगा कि ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के कारण ही बाकी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग स्टडीड अंडर विच ब्रांचेस, अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन, अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग स्टडीड अंडर विच ब्रांचेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एबव टू, नन ऑफ दिस। बड़े क्वेश्चन ना बड़ा सिंपल है, ये बता रहा है, ये पूछ रहा है हम लोगों से कि भाई अर्थशास्त्र से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आप हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, कौन कौन से ब्रांच में पढ़ते हैं, तो हम लोग तो पढ़े हुए थे अभी थोड़ा देर पहले ही, मैंने आपको बताया हुआ था कि इकोनॉमिक्स, कंप्लीट इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने दो टाइप में बांटा, दो पार्ट में बांटा, माइक्रो और मैक्रो, ताकि वो हम लोगों को पढ़ने में आसान हो, तो फाइनली माइक्रो और मैक्रो में ही हम लोग इकोनॉमिक्स के चीजों को पढ़ते हैं, तो एबव टू इसका सही आंसर है, माइक्रो और मैक्रो। अब है 36 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, मार्शल, प्रिंसिपल
पॉल सैमुअलसन, जेएस मिल और एडम स्मिथ। सही आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जल्दी जल्दी आप सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाएं। ऑप्शन नंबर ए मार्शल, ऑप्शन नंबर ए यानी मार्शल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से क्या है जो प्रोडक्शन का फैक्टर नहीं है। और प्रोडक्शन के फैक्टर को तुम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा कि लैंड था, लेबर था, कैपिटल था, मनी नहीं है। इस वजह से इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनी प्रोडक्शन का फैक्टर नहीं है। ठीक है, और यहां इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी यानी कि मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द राइटर ऑफ द बुक ट्रेडेड इकोनॉमिक पॉलिटिक। इकोनॉमिक पॉलिटिक यानी ट्रेडेड, ट्रेडेड इकोनॉमिक पॉलिटिक पुस्तक के लेखक कौन है। पीगू, जेबी से, किन्स, रिकार्डो, इसमें से कौन, इस बुक को किन्होंने लिखा है, किसने लिखा है। जेबी से ये है इसके राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी। हम लोग इसमें पढ़ते हैं क्या सब पढ़ते हैं, तो दोनों टाइप के इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, दोनों चीजों को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। इन द गिवन फिगर द मूवमेंट ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी शोज, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना क्या दिखाता है इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेस इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में रिसोर्सेस का ग्रोथ यानी बढ़ जाना, अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों का विकास, या फिर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का अपूर्ण प्रयोग, या फिर प्रोडक्शन ऑफ मोर यूनिट ऑफ गुड्स एक्स एंड लेस यूनिट ऑफ गुड्स वाई, या फिर प्रोडक्शन ऑफ मोर यूनिट ऑफ गुड्स वाई एंड लेस यूनिट्स ऑफ गुड्स एक्स। फिर से एक बार क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। इन द गिवन फिगर द मोमेंट ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी के तरफ जाना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर क्या दिखा रहा है। तो आपको पहले क्या करना है, आप ये देखो ऐसे एक मिला दो, ये ऐसे मिला दो। जब हम लोग ए पॉइंट पर प्रोडक्शन कर रहे थे तो दो गुड्स यानी एक्स वस्तु यहां है और वाई वस्तु का प्रोडक्शन लोग यहां कर रहे हैं। ठीक है, दो वस्तुएं हैं, तो इसका मतलब है कि जब पॉइंट ए पर प्रोडक्शन हो रहा था तो वाई वस्तु का यहां से यहां तक प्रोडक्शन हो रहा है, यहां से यहां तक, और एक्स वस्तु का यहां से इतना दूर और वाई वस्तु का इतना प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन पॉइंट बी पर शिफ्ट होने से एक्स वस्तु का प्रोडक्शन यहां आ जाएगा, यानी ये ओ से लेकर एक्स तक, ओ एक्स बोल सकते हैं हम लोग, और अगर वाई वस्तु को देखें तो वाई वस्तु का प्रोडक्शन यहां से यहां तक हो रहा है। ठीक है, अब इस हिसाब से आप बताओ कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इस हिसाब से हम लोग बोलेंगे, जैसा हमारा फिगर बता रहा है इस हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, जिसमें एक्स वस्तु का प्रोडक्शन हम लोग ज्यादा कर रहे हैं और वाई वस्तु के प्रोडक्शन को हम लोगों ने कम किया है। तो यहां पर यही है कि एक्स की अधिक इकाइयों का उत्पादन तथा वाई वस्तु की कम इकाइयों का उत्पादन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है। विच इकोनॉमिक हैज को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। थोड़ा देर पहले ही मैंने इन चीजों को बताया हुआ था। ठीक है, आपने अगर वीडियो को स्किप नहीं किया होगा तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि ऐसा कौन सा इकोनॉमी है जिसमें दोनों मिलके करते हैं, निजी भी और सार्वजनिक भी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो नहीं है, मैक्रो है, नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर है, क्योंकि ये माइक्रो नहीं मैक्रो है, और मैक्रो में हम लोग एक चीज को नहीं एग्रीगेट पढ़ते हैं, टोटल इकोनॉमी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, इंडिविजुअल यूनिट, इकोनॉमिक एज एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ए बार बार आ चुका है, अब ये मेरे ख्याल से दो बार पहले भी आया, लेकिन उन दोनों बार में ऑप्शन नंबर डी शायद मेरे ख्याल से सही आंसर था, क्योंकि सारे चीजों को पढ़ते थे। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जेम किड्स फेमस बुक द जनरल थियरी वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, कौन से ईयर में ये जो बुक है हमारा द जनरल थियरी वो पब्लिश हुआ था। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम किड्स प्रसिद्ध पुस्तक का जो प्रसिद्ध पुस्तक है द जनरल थ्योरी वो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, 1926, 1926, 1936, 1946 या फिर 1956। और इन सभी ऑप्शन में ना आखिरी में 6 है और शुरू में 19 है, तो इस वजह से आप लोग कभी कभी कंफ्यूजन में आ सकते हैं, तो आपको पूरा याद रखना होगा, केवल आखिरी के 6 को देखकर आप ऑप्शन का अभी चूज नहीं कर सकते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर 36 है, बी इसका सही आंसर है। अब हम लोग अंत की तरफ जा रहे हैं, आप लोग धैर्य बना के रहें, क्योंकि आप सभी का ही काम हो रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 45, विच इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब तो आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है ना, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ऑल ऑफ द एबव। कमेंट बॉक्स में आप सभी को टाइप करना है आपके आंसर को, ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर है। ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसमें ये तीनों इसका प्रॉब्लम है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का बंटवारा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब संसाधनों का कुशलतम उपयोग, और तीसरा आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 46 नंबर क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेस इकोनॉमाइज आर, ओनरशिप के बेस पर इकोनॉमी को कितने पार्ट में बांटा गया, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं हैं कौन कौन सी हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी यानी केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी बाजार अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, या ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर, ऑन विच बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैज बीन इंस्टॉल्ड, यानी निम्न में से किस आधार पर स्तंभ आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो अब सभी आप सभी को यह पता होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इन्हीं दोनों कारणों से तो हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना सारा का सारा। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, इकोनॉमिक रेंट, इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट। नाम क्या, यहां देखिए आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसी का दूसरा नाम आप सभी को बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सभी इसके आंसर को टाइप करें, और इसका जो सही आंसर है वो है मार्जिनल कॉस्ट। कौन सा मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि सीमांत लागत, ये सेकेंड चैप्टर में ही मैंने दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 49, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉजिटिव कर्व फॉल्स, प्रोडक्शन पॉजिटिव कर्व का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये इसमें से कौन सा इसका सही आंसर है। तो इसके लिए आप एक प्रोडक्शन पॉजिटिव कर्व को देखें, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसमें ये लेफ्ट, ये राइट और ये लेफ्ट टू राइट नीचे की ओर आ रहा है, इस वजह से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसका सही आंसर है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 50, माइक्रो, माइक्रोज विच मीन्स अ स्मॉल बिलोंग्स टू, ठीक है, ये जो माइक्रोज है जिसका कि अर्थ होता है स्मॉल, वो कहां से, इसका जो ओरिजिन है ना वो कौन से वर्ड से है,
अरेबियन वर्ड, ग्रीक वर्ड, जर्मन वर्ड या इंग्लिश वर्ड? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड माइक्रोज से ही हम लोग माइक्रो को लिए हैं। अब अंत, अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, हु गेव द डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर, यानी अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे, कल्याण संबंधी? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या फिर सैमुअलसन? सही आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है और फटाफट बताना है, जल्दी जल्दी। मार्शल, मार्शल कौन थे? तो इन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषा को बताया था। अब आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइलेंट फीचर ऑफ फैक्टर्स और रिसोर्सेस, निम्नलिखित में से कौन सा कारकों यानी कि संसाधनों की मुख्य विशेषता है? दीज आर लिमिटेड एज कंपेयर टू वांट्स, यानी ये इच्छा यानी चाहत की तुलना में सीमित हैं, या सेकेंड है दीज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ये दोनों सही है, या फिर नन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर सी। जो हमारे पास रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस एक तो लिमिटेड होता है और साथ ही साथ इसका अल्टरनेटिव यूज भी होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर ही आते होंगे, और नहीं भी आता होगा तो आप सभी आज इन चीजों को सीखे होंगे। और हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही सेकेंड चैप्टर पर आने वाला है, तो आप सभी के लिए ये हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए, फिर चाहे वो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, सीबीएसई के बच्चे हैं, और साथ ही साथ आर्ट क्लास 12th के बच्चे हैं, ठीक है, जिनका की आर्ट पेपर है, उनको भी इकोनॉमिक्स होगा, उनको भी एग्जाम देना है, उनके लिए भी यही क्वेश्चंस है, ठीक है? और ये सभी क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है, जो कि बार बार रिपीट हुआ है, इस वजह से ये आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा आपके नेक्स्ट एग्जाम के में। और आप सभी तब तक मजे में रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद।